टीवी क्वीन एकता कपूर और सिंगर नेहा कक्कड़ ने भी इरफान खान के लिए भावुक पोस्ट शेयर की है। एकता कपूर ने कम शब्दों में काफी गहरी बात बोल दी है, वहीं नेहा कक्कड़ ने साल 2020 को खराब बताया है। एक्टर इरफान खान के निधन के बाद हर कोई अपने अपने अंदाज में इस कलाकार को याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड के अलावा टीवी जगत भी इस खबर से काफी मायूस है और ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। टीवी क्वीन एकता कपूर और सिंगर नेहा कक्कड़ ने भी इरफान खान के लिए भावुक पोस्ट शेयर की है। एकता कपूर ने कम शब्दों में काफी गहरी बात बोल दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इरफान की फिल्म लाइफ ऑफ पाई की एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में इरफान मौत और जिंदगी को लेकर कुछ बता रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए एकता लिखती है, आत्माएं कभी नहीं मरती और ना ही लेजेंड्स, आपकी आत्मा को शांति मिले सर। एकता की ये पोस्ट हर किसी की भावनाओं को सटीक अंदाज में व्यक्त कर रही है। ये वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है। एकता के अलावा सिंगर नेहा कक्कड़ ने भी भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा है। उन्होंने साल 2020 को सबसे ज्यादा खराब बता दिया है। वो लिखती है कि मैं काफी कोशिश कर रही हूँ खुद को और अपने परिवार को खुश रखने की, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं साल 2020 से नफरत करती हूँ। सिर्फ खराब खबरें ही सुनने को मिल रही है। कई लोग मर गए हैं, कुछ तो भूख की वजह से भी मरे हैं। अब हमने एक महान कलाकार को भी खो दिया है। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब देश इस समय कोरोना महामारी जैसी मुश्किल स्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में इरफान खान का निधन ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसी क्षति है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके।